अगर आपके अंदर कुछ करने का हौसला है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। ये साबित कर दिया है जमुई की इस नन्ही बच्ची ने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बच्ची का वीडियो देखिए। किसी दुर्घटना में इसका एक पैर नहीं रहा। माता पिता मजदूरी करते हैं और बच्ची पढ़ने के लिए आधा किलोमीटर ऐसे ही जाती है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गाँव निवासी सीमा को सलाम है। सीमा ने सड़क हादसे में अपना पैर खो दिया, लेकिन हौसले को बचाए रखा, जिसके सहारे आज वो 500 मीटर तक एक पैर के सहारे कूदते हुए स्कूल जाती है। सीमा फतेहपुर गांव के सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती है। उसके माता पिता मजदूरी करते हैं, पिता दूसरे प्रदेश में रहकर ही मजदूरी करते हैं। 5 भाई बहन में एक सीमा किसी पर अब तक बोझ नहीं बनी है। एक पैर होने के बावजूद सीमा में पढ़ने लिखने का जुनून है। सीमा का सपना है कि वो पढ़ लिख कर एक शिक्षिका बने। सीमा 2 साल पहले गांव में ही एक हादसे का शिकार हो गई थी। एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसके एक पैर में गंभीर चोट लगी थी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उसका एक पैर काट दिया था। एक पैर से ही अब वो सारा काम करती है। सीमा का कहना है कि उसके माता पिता मजदूर हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं। वो पढ़ लिख कर काबिल बनना चाहती है। यही कारण है कि सीमा ने जिद कर स्कूल में नाम लिखवाया और हर दिन स्कूल जाती है। सीमा की दादी लक्ष्मी देवी का कहना है कि इस गांव में इस बच्चे के लिए मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। सुविधाओं के अभाव में काफी दूर तक पगडंडियों पर चलकर जाना पड़ता है। कुछ दिन पहले बिहार के एक बच्चे सोनू का वीडियो भी वायरल हुआ था। वो भी पढ़ना चाहता था। स्कूल में अपने एडमिशन की उम्मीद लिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गया। कई लोग मदद के लिए आगे भी आए। सोनू और सीमा जैसे बच्चे जिनकी कहानियां कई बार सामने आ जाती हैं, उन्हें मदद मिल जाती है। पर न जाने बिहार सहित दूसरे प्रदेशों में ऐसे कितने और बच्चे हैं जो किसी न किसी अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। पर हमारे देश की सरकारें, जनता और विपक्ष लगी है मंदिर मस्जिद करने में, जमीन खोद खोद के शिवलिंग ढूंढने में। क्या आपको नहीं लगता कि देश को इन फालतू के मुद्दों से ध्यान हटाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए? सीमा जैसे बच्चों को मदद मिलनी चाहिए। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।